लगभग हर कोई टमाटर को अपने दैनिक आहार में शामिल करता है। टमाटर की एक उपलब्धता की बात आती है तो बाज़ार या मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और बिहार में किसान इन्हें बड़े पैमाने पर उगाते भी हैं। हालांकि उन्हें टमाटरों के उचित मूल्य प्राप्त करने में परेशानी होते रहता है। मैं वैसे किसानों के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आया हूँ। यदि वे चेरी टमाटर उगाते हैं तो उन्हें फसल की अच्छी कीमत पाने की उम्मीद कर सकते हैं। जी हाँ, मैं चेरी टमाटर की बात करने जा रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि चेरी टमाटर जंगली करंट प्रकार के टमाटर और घरेलू उद्यान टमाटर का एक मध्यवर्ती अनुवांशिक मिश्रण है। चेरी टमाटर हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक फायदेमंद होते हैं, जो अपने प्रचुर औषधीय गुणों के कारण इन्हें घरेलू बगीचे और व्यावसायिक खेती दोनों के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। चेरी टमाटर, जिसमें उचित मात्रा में पोटेशियम होता है, हृदय रोग वाले व्यक्ति के लिए यह फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वे रक्तचाप नियंत्रित करने और हृदय की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं। चेरी टमाटर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि इनमें लाइकोपीन होता है। चेरी टमाटर अभी इस क्षेत्र के लिए एक नई फसल है। ये सामान्य टमाटर से थोड़ा भिन्न इस मामले में है कि इसका बाजार में मूल्य ज़्यादा मिलता है, और जहाँ तक स्वाद में की बात है, इसमें थोड़ा मिठास ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है तुलनात्मक रूप से। तो ये सब स्वास्थ्य एंटी कैंसरस भी होता है, तो ये सब जो है स्वास्थ्य के रूप में ये काफ़ी लाभदायक है। और इसका मुख्य रूप से सलाद के रूप में जो उपयोग किया जा सकता है, और बड़े बड़े होटलों में भी इसका उपयोग है, इसलिए के कारण इसका किया जाता है। इसके विभिन्न किस्में हैं, कुछ सरकारी संस्थाओं का के द्वारा जो है उसके द्वारा अनुशंसित है तैयार किया गया है, कुछ प्राइवेट कंपनी की बीजें हैं जो हाइब्रिड किस्में हैं, और कुछ देसी किस्म भी है इसका। ज़रूरत है कि इसको समय किसान जो है अगर अपनाना चाहें, पॉली हाउस में लगाना देख रहे हैं कि आप इसका बढ़वाड़ पौधे का काफ़ी अच्छे से होता है, इसको अक्टूबर नवंबर में लगाया गया है, और आप देख रहे हैं जैसे कि बेड पे जो है चौड़ाई लगभग 75 सेंटीमीटर चौड़ाई है, और उसमें दोनों किनारे में जिगजैग मेथड में 2 फीट की दूरी पे लगाया गया है पौधे का तैयार करके। जब पौधा अक्टूबर नवंबर महीने में तैयार कर लिया जाता है, बिचड़ा तैयार करके, उसके बाद इसका जो रोपनी किया जाता है जो निश्चित दूरी पे, और अच्छे तरह से विधिवत तैयार करके, बेड तैयार करके, तो ये अब हम लोग को अभी लगभग 1 महीने से फलन प्राप्त हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें 2 रंग का है, एक गोल्डन चेरी करके है, विभिन्न किस्में हैं उसकी, और एक है लाल रंग का, तो 2 रंग में मुख्यतः है। तो इसको किसान भाई इसका उपयोग करके इसका खेती में और संरक्षित खेती में इसको अपनाकर काफ़ी लाभ ले सकते हैं। अभी अब जैसे टमाटर लगाए सर, लेकिन सब देखिए टमाटर की खेती का तो लगभग सालों भर किया जा सकता है, अधिकतम गर्मी को छोड़ के थोड़ा, और मुख्यतः ये रबी मौसम का फसल है, और गर्मी में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन किस्मों के अनुसार इसको लगभग सालों भर किया जा सकता है, और उसका सही रूप में तकनीक को अपना कर आप कर सकते हैं। सबसे आसान है रबी मौसम में, जो कि सितंबर अक्टूबर के महीने में जैसे इसको किया गया है, बिचड़ा तैयार करके और अक्टूबर में लगा के। मैं डॉक्टर नीरज, सहायक प्राध्यापक विज्ञान विभाग, स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय।